याद मुझे होती है, आई होप आपको भी होती होगी कुछ को। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, इनफैक्ट हैप्पी छोटी दिवाली। आज हम जा रहे हैं हिमाचल शिवी के दादी के हाउस और उनकी नानी के हाउस, और ये है हमारा मॉर्निंग व्यू, और हम अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, और छोटी छोटी वीडियोस ब्लॉग्स में आपको हिमाचल की एक झलक दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हियर वी गो, गुड मॉर्निंग। देखो फोर्टी पे चला रहा हूँ, हाँ जी। लाइफ है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। पैदल भी जा रहे हैं देखो। पैदल वाले तो यही पे जा रहे हैं ना, लोकल नहीं, लॉन्ग रूट पे। शिवी की तबीयत खराब हो रखी है बेचारे की, हालत खराब है वॉमिटिंग्स कर करके। देखो रोड कैसा है यार, थोड़ा सा वो हो जा रहा है, बाहर का नज़ारा देख के तो मजा आ रहा है, पर जिन बंदों को ट्रैवल की आदत ना हो ना ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा राउंड एंड राउंड की ऐसे हो जाता है। तो शिवी की मासी, वो देखो इनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ये रुद्रांश मासी की गोदी में। ओ, गया? ओ, बस पहुंच जाएंगे दो तीन घंटे में, आज तो ये शिवी है। शिवी से हेलो एंड से हैप्पी दिवाली। वॉमिटिंग हो रही है आपको? हाँ दिखाओ इधर शक्ल। देखो फ्रेंड्स, ये है वो लड़की जो सबसे ज्यादा वॉमिटिंग कर रही है, इसके अलावा यहाँ पे कोई और वॉमिट नहीं कर रहा है, है ना? है कोई जो आपके अलावा यहाँ पे वॉमिट कर रहा है? अरे है तो है भाई मम्मा। मुझे भी वॉमिट आ रही है। यहाँ पे सही है ना, दो दो तीन तीन किलोमीटर तक दिखता रहता है कि कहाँ से कौन सी बस आ रही है। राउंड राउंड एंड राउंड। शिवी यार राउंड एंड राउंड वाली को राइम थी यार, बार बार याद आ रहा है लेकिन याद ही नहीं आ रही कौन सी थी। ओह माय गॉड, ये सही है, ये सही नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि ऊपर पहाड़ी, ठीक है, ऐसे पहाड़ियाँ, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, और अगर नीचे लुढ़क गए तो खाई नीचे भी दिखेंगे नहीं हम लोग। Seriously यार, it's very dangerous. तो फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है, और शिवी को भी हो रही है। आप देख सकते हो वो कैसे पीछे लटक के चली हुई है, क्योंकि जैसे ही ये हिमाचल के रोड्स राउंड एंड राउंड होना स्टार्ट होते हैं मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। मुझे क्या, मैक्सिमम पीपल्स के साथ ऐसा होता है कि उनको वॉमिट होना स्टार्ट हो जाती है, और शिवी स्टार्ट हो चुकी है। नहीं, सबको नहीं होती है। हाँ इन लोगों को नहीं होती है, बट मुझे होती है, आई होप आपको भी होती होगी कुछ को। क्योंकि देखो देखो रोड कैसे है, अभी जा रहा है सीधा रोड, फिर अब देखना राउंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड होता जाता है। आप लोगों की ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ला 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 ला, मुझे कोई गाना नहीं आता गाने, नहीं तो मैं गा देती वही एक गीत सा गाना, ये हंसी वादियां आ गए हम कहां, ओ मेरे साथिया। ना 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 ना। तो मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है वीडियो में, मैं आई थिंक क्लियर आ रहा होगा क्योंकि मेरे फेस पे ना
धूप सी आ रही है तो रास्ता थोड़ा सा खराब है तो ऐसे से आएगा। गुड मॉर्निंग, आज बार बार गुड मॉर्निंग बोलने का मन कर रहा है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज्यादा हैप्पी। इतने अच्छे व्यूज हैं बाहर, वीडियोस में पता नहीं क्यों क्लियर नहीं आ रहे हैं, बट अच्छे से दिख नहीं रहे वीडियो में, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं रहती ना, वॉमिट हो जाता है। और सुबह सुबह उठ के 4:30 बजे चलना। एक्चुअली मैंने ना सुबह चाय पी ली थी, थोड़ी सी चाय पी के ना तबीयत थोड़े खराब हो जाते हैं। अच्छा है कि कुछ बंदा खाए पिए ना, रास्ते में खा ले फ्रांटे शांटे। चाय नहीं पीनी चाहिए सुबह ट्रैवल करने से पहले, नहीं तो मूड हो जाता है। ओह माय गॉड, व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और कैमरा बैक से स्टार्ट होगा, फ्रंट बैक फ्लिप करता रहता है। छोटी छोटी सी ये रास्ते वाव यार कितना अच्छा है सच में यार, बहुत प्यारा लग रहा है। ग्रीन था शहर में रहके ना, बिल्डिंगें देख देख के बंदा ना भूल ही जाता है एक्चुअल से। तो ऐसे सुबह सुबह इतनी अच्छी वेदर, बड़े तेज तेज चला रहे हैं, हम लेट हो गए हैं। और यहाँ पे ना ऐसे राउंड अगेन राउंड एंड राउंड। शिवी वो कौन सी लाइन थी बेटा, राउंड एंड राउंड वाली? ओह नो, शिवी से नहीं पूछ सकते, शी इज वेरी राउंडिंग। हम देखेंगे कोई अच्छा सा ढाबा जहाँ पे हम खा सकें परांठे। परांठे इज माय फेवरेट, जो मैंने ना बनाए हो, क्योंकि बने बनाए परांठे जब मिल जाते हैं उनको खाने का मजा ही अलग है। वाह यार मुझे यार ये वाला रूट कितना अच्छा लग रहा है, और कैमरा में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी साइड व्यू ना वो आ नहीं रहा है, नीचे वाला जो एक्चुअल व्यू है ना, क्योंकि यहाँ पे बीच में रोड आ रही है और मैं फोन ज्यादा बाहर कर नहीं सकती, मेरे को बहुत डर लगता है फोन नहीं गिर गया कहीं तो पिटूंगी शिवी के पापा का फोन है। वैसे बहुत मजा आ रहा है, ये रोड कितना सही लग रहा है ना, जो देखियो है। ये लड़की सो चुकी है और कहीं रुद्रांश को ना गिरा दे। रुद्रांश को पकड़ लेता हूँ मैं, और ये बट वो बोल रुद्रांश को मैंने पकड़ा हुआ है, वो जाग दी है, वैसे आईज क्लोज करी हुई है। वाह शिवी देखो नीचे कितना प्यारा है, बच्चे है ना, मेरे को बहुत डर लगता है। तो अभी यहाँ पे हम रुके हैं खाना खाने के लिए, है ना रुद्रांश? रुद्रांश का हमने चेंज भी नहीं किया, इसको रात की ड्रेस पहनाई हुई है। और ये देखो यहाँ पे इतना अच्छा व्यू है, देखो कितना प्यारा प्यारा है। यहाँ पे ढाबा है, ये वाला ढाबा इधर इसलिए जाने वाले हम बैक साइड आए क्योंकि हमने ये व्यू को रिकॉर्ड करना था। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम करने वाले हैं ब्रेकफास्ट, परांठा। ये किस कौन से परांठे?
है, ये परांठा बॉक्स है आलू के। मेरा है, मैं लेना। हाँ भाई तेरा है, मुझे पता है। और ये दोनों जने जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं खाना है। ये दो लोग खा रहे हैं और अब मैं भी खाऊंगी। परांठे सच में बहुत यम्मी थे, तो आप लोग जब भी इधर बिलासपुर आएँ तो छोटू टूरिस्ट ढाबा में परांठा जरूर खाएँ। इट्स सो यम्मी परांठा। हम दो परांठे खाने वाली थी मैं, लेकिन पांच खा गई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 10 और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मैं सो नहीं सकती। रुद्रांस सो गया, रुद्रांस की मासी भी सो रही है। रुद्रांस की दीदी रास्ता है ना, कहीं से पता आपको? बीच में से था, आई थिंक पीछे से था, नीचे को उतरने के लिए था, वो बीच पीछे से ही था। बहुत भूल रही है सी, यहाँ पे मार्केट के बीच में से निकलना ना, उसके लिए शॉर्टकट लेना ज़रूरी है। अभी हमें बिलासपुर की चांदपुर पुल के पास, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ इतना ज़्यादा पानी, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, पर ये लड़की इसे नहीं लग रहा है यार, प्लीज पीछे में मुझे मोटा लगता है। मुझे बॉर्डर लग रहा है यार, ब्रो पीछे करो ना उसको प्लीज। वाह, मैंने व्यू चेंज किया अभी कैमरा का थोड़ा सा ना, मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सकूं। बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है ना, प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा पूरा दिन ऐसे जैसे ही बीत गया, और क्योंकि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच था, हम वो देखने में बिजी हो गए थे, तो फाइनली इंडिया जीत गई है और छोटी दिवाली सच में हैप्पी हो गई है। इट्स अ हैप्पी दिवाली। और अभी हम जा रहे हैं अपने कुल देवता जी के पास जय करने के लिए। ओके तो मिलते हैं। तो ये देखो रुद्र है, इसको यहाँ पे मास्क लगा दिया, देखो शिवी। हेलो, ये शिवी की दादी माँ है और ये शिवी का भाई है। हम ऑन द वे हैं, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। हम बता दिए, मैंने सबको बता दिया कि हम पहले घर पहुँच चुके हैं, और बीच में हम बिजी हो गए थे खाना पीना नहाना, और अभी रात नहीं थी बेटा, वो सुबह ही थी, हम 4 पर भी थे तो रेडी हुए जब तक, और पैकिंग चैकिंग का थोड़ा बहुत काम किया तब तक, मॉर्निंग हो गई। अब आप बाहर देखोगे ना तब दिखेंगे, आपको भी पीछे चलेंगे, वो देखो आगे भी एक मंकी, जय बजरंगबली। बेटा आते हुए देखते हैं, अभी हम लेट हो गए हैं, वो देखो सामने देखो सन कैसे लग रहा है ऑरेंज कलर का, और सारा ऐसे लग रहा है पीछे से जैसे ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है। हम बाबा जी के मंदिर में पहुंच गए हैं, ये बाबा बालकनाथ जी की प्रतिष्ठापना है। जय बाबा जी।
ठीक है, जय बाबा बालकनाथ जी।